गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नारुतो गारा को हरा देता है और ओरोचिमारु के साथ फाइट करने की वजह से लॉर्ड होकागे की मौत हो जाती है और विलेज के सभी लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। होकागे के फ्यूनरल पर सभी लोग आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और एंडिंग सीन में हम लोगों ने देखा था इताची उचिहा को जो की हिडन लीफ विलेज के अंदर एंटर कर चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह सुबह ही हिडन लीफ विलेज का मेन गेट घने कोहरे से भर जाता है और यहां पर तैनात दो निंजास देखते हैं कि दो अनजान शख्स यहां पर आ रहे हैं। इनमें से एक बंदा एक तरह का गेंजुत्सु परफॉर्म करता है जिसकी वजह से उनमें से एक बॉडीगार्ड को नींद आने लगती है और वहीं पर सो जाता है और इसके बाद ये दोनों आराम से उस विलेज के अंदर घुस जाते हैं। इस तरफ नारुतो अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके रामेन खाने के लिए एक शॉप पर जाता है और इस तरफ सैंड विलेज के लोगों को उन्हें उनके काजे कागे की लाश मिलती है। दरअसल ओरोचिमारु ने हिडन लीफ विलेज से बदला लेने के लिए हिडन सैंड विलेज का पूरा फायदा उठाया। उसने पहले सैंड विलेज के होकागे को खत्म किया और फिर उसी का रूप लेके उसका फायदा उठाया और इस तरफ ये जिराया अपनी रिसर्च में बिजी है। पता है भाई क्या करता रहता है ये कुछ लड़कियों को ताड़ रहा होता है और तभी दो एल्डर्स यहां पर आ जाते हैं। जिराया से कुछ बात करने के लिए, तुम्हारी आदतें अभी तक ठीक नहीं हुई जिराया, तुम अभी भी लड़कियों को ताड़ते हो। जिराया, सैंड विलेज ने हमारे यहाँ पर सरेंडर कर दिया है लेकिन फिर भी हमारे विलेज की ताकत पूरी तरह से गिर चुकी है और इसे ऊपर उठाने के लिए हमें एक पावरफुल लीडर की जरूरत है, वो भी जितनी जल्दी हो सके। जिराया बोलता है हाँ ठीक है भाई, कर लो फिर, मुझे क्यों बता रहे हो। जिराया, हम तुम्हें इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम फिफ्थ होकागे बनो। पर जिराया फिफ्थ होकागे बनने से मना कर देता है। जिराया, तुम एक लेजेंडरी सानिन हो, अगर तुम नहीं तो और कौन। पर जिराया बोलता है एक सुनाडी नाम की लड़की का नाम क्या। वो लड़की, हाँ वो बहुत पावरफुल है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। पर मास्टर जिराया उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ढूंढ कर यहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो तो हम तुम्हें थोड़ा सा समय दे सकते हैं। इस तरफ हम काकाशी को देखते हैं जो कि एक पकौड़ों की दुकान के बाहर खड़ा होता है, पर आसुमा और कुरुनाई सेंसी यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि तभी हम उन दोनों अनजान शख्स को देखते हैं। पर जैसे ही सास्की यहाँ पर आता है वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं जिसकी वजह से काकाशी को उन पर शक हो जाता है और आसुमा और कुरुनाई सेंसी को बोलते हैं कि उनका पता लगाएं और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक ब्रिज से क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी आसुमा और कुरुनाई सेंसी यहाँ पर आ जाते हैं इनके सामने। माफ करना लेकिन तुम यहाँ के नहीं लगते, और ये लेफ्ट वाला निंजा बोलता है आसुमा कुरुनाई तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। और ये बंदा अपना चेहरा दिखाने के लिए अपनी टोपी और अपनी जैकेट को उतारने लगता है और आसुमा और कुरुनाई सेंसी उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि इताची उचिहा है जो कि पूरे के पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर निंजा है और ये सास्की का बड़ा भाई है। दरअसल इताची ने हिडन लीफ विलेज के पूरे उचिहा क्लैन को ही एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया था सिवाय अपने छोटे भाई सास्की के, और इसके बाद ये दूसरा वाला भी अपना चेहरा दिखाता है और ये है मोस्ट वांटेड और सबसे डेडलीस्ट निंजा हिडन लीफ विलेज का किसामे होशिकागे। ये हिडन लीफ विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है और इसने जाबुजा को एक हिट में नॉकआउट कर दिया था। इताची क्या मैं इन्हें दिखा दूं, पर आसुमा बोलता है मानना पड़ेगा तुम्हें इताची, इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार यहाँ पर अपना घटिया चेहरा दिखाने आ ही गए। इताची बोलता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ मेरे रास्ते में माता, मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। जिसने अपने साथियों को ही नहीं बख्शा उसके मुँह से ये बात सुनना थोड़ा अजीब लगता है इताची। अब बता भी दो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। लगता है बिना लड़े हम कहीं नहीं जा पाएंगे, और इसके बाद इन सभी में एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। सबसे पहले किसामे अपनी स्पोर्ट से उन पर हमला करता है लेकिन आसुमा अपने नुकीले नकल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर फिर भी उसे थोड़ी सी चोट लग ही जाती है। दरअसल किसामे का ये स्वॉर्ड चाक की स्किन से बना हुआ है और इसका नाम है सामेहाडा स्वॉर्ड, और जैसे ही किसामे आसुमा के टुकड़े करने वाला होता है तभी कुरुनाई सेंसी एक गेंजुत्सु यूज करती है जिसकी वजह से किसामे को लगता है कि वो जमीन में धंसता चला जा रहा है और इताची के पीछे से भी एक पेड़ आकर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और तभी कुरुनाई सेंसी उस पेड़ से निकलकर इताची को मारने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इताची ठीक उसके सामने खड़ा है और वो खुद उस पेड़ के अंदर जकड़ चुकी है। ये देखकर कुरुनाई सेंसी बिल्कुल चौंक जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इताची बोलता है गेंजुत्सु वो भी ऐसा, ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी तक कुरुनाई सेंसी जो भी कर रही थी वो सब कुछ इताची का गेंजुत्सु था। मतलब कि इस कुरुनाई की गेंजुत्सु करने से पहले ही इताची ने अपना गेंजुत्सु चला दिया था और अभी तक कुरुनाई सिर्फ एक भ्रम के अंदर जी रही थी। कुरुनाई सेंसी बहुत मुश्किल से अपने आप को चोट पहुंचाकर उस गेंजुत्सु से बाहर निकलती है। इताची उसे एक जोरदार किक मारता है और दूर जाकर पानी के अंदर गिर जाती है। कुरुनाई खड़े होने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इताची ठीक उसके पीछे आ चुका है और इताची को पता चलता है कि उसके पीछे काकाशी यहाँ पर आ चुका है। इताची का एक क्लोन कुरुनाई सेंसी के पास होता है और एक दूसरा क्लोन आसुमा सेंसी के पास पहुंचता है। किसामे बोलता है अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम काकाशी हो, कॉपी निंजा जिसने जाबुजा को हराया था। और काकाशी बोलता है किसामे तुम वो हो जो कि हिडन लीफ विलेज के 7th पॉपुलर निंजास में से एक हो और तुम्हारी तलवार शार्क की स्किन से बनी हुई है। क्यों मैंने सही कहा ना, चलो कोई तो मिला जो मेरे बारे में जानता है, तुम्हें मारने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। किसामे रुक जाओ, हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हमारे मकसद को याद रखो। ओ अच्छा तो तुम्हारा एक मकसद भी है, बहुत दिलचस्प है। और इसके बाद काकाशी का शैडो क्लोन यहाँ से गायब हो जाता है। इताची अपने सामने खड़े असली वाले काकाशी को बोलता है मुझे किसी की तलाश है। काकाशी तुम किसकी तलाश में हो इताची। तभी इताची काकाशी से बोलता है उचिहा क्लैन से नहीं हो पर फिर भी तुम शारिंगन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें मारना पड़ेगा काकाशी, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी उचिहा की नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली शारिंगन क्या होती है और क्या हो सकता है कि जब एक उच्च कोटि का उचिहा क्लैन का मेंबर अपनी शारिंगन को यूज करता है। मुझ पर भरोसा रखो
नक्काशी, अभी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या दिखाने वाले हो मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी सुकुयोमी को देखो। तुम्हें पता है काकाशी, एक उच्चीहा क्लैन का मेंबर हजारों निंजास पर अकेला ही भारी पड़ता है। और क्यों? उच्चीहा क्लैन पूरे निंजा वर्ल्ड में सबसे ताकतवर माना जाता है। और ये कहने के बाद इताची एक बहुत खतरनाक गेंजुत्सु करता है, और एक ऐसा गेंजुत्सु है जिसके लिए हैंड साइंस की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आंखें ही काफी होती है। और उसे देखकर काकाशी बोलता है, ये तो बुरा है, ये अकेला ऐसा इंसान है जो कि बिना हैंड साइंस को बनाए एक गेंजुत्सु कर रहा है। पर तभी काकाशी इताची के शारिंगान को देखकर चिल्लाता है और बोलता है, आसुमा कुरुना है, उसकी आंखों में मत देखना, अपनी आंखों को बंद कर लो, कुछ भी हो जाए अपनी आंखों को मत खोलना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, मुझे अकेले ही उससे निपटना होगा। और ये दोनों अपनी आंख को बंद कर लेते हैं और काकाशी अकेला इताची के सुकुयोमी में पूरी तरह से फंस जाते हैं। और इसके बाद सीन पूरी तरह से बदल जाता है, काकाशी किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये बहुत एक अजीब सी दुनिया है जहां पर सिर्फ इताची है और काकाशी। काकाशी एक क्रॉस के साथ बंधा होता है और उसके सामने इताची एक तलवार लेकर खड़ा होता है और सीधा उस तलवार को काकाशी के पेट के अंदर घुसा देता है। और ये एक गेंजुत्सु होने के बावजूद भी काकाशी को हद से ज्यादा पेन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई असली किसोड उसके पेट में घुस गई है। तुम्हें क्या लगा था ये कोई नकली गेंजुत्सु होगा? काकाशी तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये सुकुयोमी की दुनिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक और इताची यहां पर आ जाता है और ये दोनों काकाशी के पेट के अंदर तलवार घुसाते हैं। काकाशी सेंसे दर्द से चिल्ला रहा होता है। इस दुनिया में स्पेस और टाइम पूरी तरह से मैनिपुलेट हो जाता है। इताची इस दुनिया का राजा है और इस सुकुयोमी के वर्ल्ड में इताची समय और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 72 घंटों तक चलता है और पूरे 3 दिनों तक इताची काकाशी के पेट में उस तलवार को घुसाता रहता है। और 3 दिनों के बाद फाइनली इताची का गेंजुत्सु खत्म हो जाता है। उस दुनिया में 3 दिन बीत गए लेकिन इस दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड बीता था। काकाशी सेंसे का इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इस वक्त जो उन्हें दर्द महसूस होता है वो बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे वो 3 दिनों तक अपने पेट में दर्द को महसूस कर रहे हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिस पर जिराया काकाशी को बोलता है कि अब से वो नारुतो को ट्रेनिंग देगा क्योंकि ओरोचिमारु के बाद एक बहुत बड़ा खतरा उनके विलेज की तरफ आ रहा है। बहुत समय पहले जब ओरोचिमारु विलेज छोड़कर चला गया तब से मैंने उस पर नजर रखी हुई है और मुझे पता चला है कि विलेज छोड़ने के बाद वो एक रहस्यमय संस्था का हिस्सा बन चुका है। पर कुछ समय बाद उसने उसको छोड़ भी दिया। काकाशी बोलता है, एक रहस्यमय संस्था, निंजा वर्ल्ड के कुछ बहुत मशहूर खतरनाक अपराधी उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है जिसमें लगभग सभी का नाम बिंगो बुक में लिस्टेड है। पर ताज्जुब की बात यह है कि इताची उचिहा भी उसके अंदर है। तुम्हें अच्छे से पता है ना काकाशी, जो इताची को हरा सके ऐसे बहुत कम लोग हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन खुद को अकात्सुकी बुलाती है। उनका मकसद है टेल्ड बीस्ट को पकड़ना। तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? 9-tailed fox को पकड़ना। इसलिए मैं नारुतो को खुद से ट्रेन करना चाहता हूँ। काकाशी जितना जल्दी हो सके हमें नारुतो को इस बात को समझाना होगा क्योंकि उसका आने वाला कल दर्द और तकलीफों से भरा होने वाला है। तुम अभी के लिए इताची को ढूंढो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और काकाशी समझ जाता है कि इताची और किसामे नारुतो के लिए यहां पर आए हैं और ये लोग अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। और इसके बाद काकाशी दर्द के मारे बेहोश हो जाते हैं और किसामे उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी माइट गाय यहां पर आ जाता है और एक जोरदार लात मारता है उसके मुंह पर। माइट गाय अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, लिफ्ट विलेज का सबसे खतरनाक शिनोबी माइट गाय। आसुमा बोलता है, गाय अपनी आंखों को बंद कर लो, अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम उसके गेंजुत्सु में फंस जाओगे। ओके थैंक यू आसुमा, लड़ने के लिए मुझे दुश्मन की आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूं तो उनके पैरों में देखकर भी लड़ सकता हूं। तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो और सिर्फ उनके पैरों पर ध्यान। अब माइट गाय उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इताची किसामे को देखकर बोलता है, किसामे हमें यहां से चलना चाहिए, हम यहां पर लड़ने के लिए नहीं आए थे। और ऐसा बोलकर ये दोनों यहां से गायब हो जाते हैं। इस तरफ नारुतो पर्वी सेज के साथ कहीं पर जा रहा होता है। नारुतो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम एक सफर पर जाने वाले हैं। पर नारुतो मना कर देता है जाने के लिए और जिराया बोलता है, अच्छा तो तुम नहीं चलना चाहते? कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें चिडोरी से भी बढ़िया स्पेशल टेक्निक सिखाने वाला था जिससे कि तुम सासुके को भी हरा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। नारुतो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उनका रास्ता रोककर बोलता है, क्या आपने अभी एक नया जुत्सु कहा? ठीक है अब यहीं पे रुको मैं आता हूं। और नारुतो ढेर सारा सामान उठा लेता है भाई साहब इतना ज्यादा, और ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। नारुतो जिराया से बोलता है, हां तो भाई कौन सा जुत्सु सिखाने वाले मुझे? पिछली बार आपने मुझे पानी पर चलना सिखाया था तो अब मुझे क्या सिखाने वाले हो? जिराया सेंसे बोलो ना। नारुतो मैंने कितनी बार बोला है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम मास्टर जिराया है। मास्टर जिराया कितना बोरिंग सा नाम है, मेरे लिए तो ठर की सानी नहीं ठीक है। पर इन लोगों को दूर से ही किसामे और इताची देख लेते हैं। इताची क्या तुम्हें लगता है तुम उस लेजेंडरी सानिन को टक्कर दे सकते हो? क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर हम उससे लड़ेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम उस लड़के तक कैसे पहुंचेंगे? किसामे ठर की सानिन की कमजोरी मुझे पता है। इस तरफ जिराया और नारुतो एक टेंपल पर पहुंचते हैं और रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। जिराया एक फ्लैशबैक में जाता है जब वो ओरोचिमारु और वो सुंदर लड़की सुनाडे छोटे छोटे होते थे और ये तीनों लेजेंडरी सानिन्स हैं और अपने थर्ड होकागे एकदम गबरू जवान हुआ करते थे। उस वक्त पे भी बेल्ट ट्रेनिंग होती थी जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था इस सीरीज के, और इसमें जिराया सेंसे हमेशा हार जाता था जिसकी वजह से थर्ड होकागे इसे भी नारुतो की तरह एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। पता नहीं मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं, तुम कितने होपलेस हो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम एक कामयाब निंजा कैसे बनोगे? जिराया ओरोचिमारु से कुछ सीखो। मैं समझ नहीं पा रहा, आप हमेशा उस ओरोचिमारु की तारीफ करते रहते हो। सारुतोबी सेंसे शायद आपको पता नहीं पर मैं ट्रांसपेरेंसी जुत्सु में बहुत माहिर हूं। थर की कहीं के नहाती हुई लड़कियों के बीच जाना वो भी ट्रांसपेरेंसी जुत्सु यूज करके, क्या हरकतें हैं ये? लेकिन सेंसे आज तक उन्हें पता नहीं चला कि मैं उन्हें देखता हूँ नहाते हुए। अच्छा तो ये सच है, तो ठीक है अगर
अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा रिसर्च करने, पर किसी को बताना मैं तेंसे आप भी कुछ काम की नहीं हो। और इन पुरानी बातों को सोचकर जिराया मुस्कुराता है। पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और दोपहर तक ये लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ मेला वगैरह लगा होता है। और ये दोनों रुकने के लिए एक होटल के अंदर जाते हैं, पर तभी यहां पर एक बहुत सुंदर लड़की आ जाती है और पता नहीं क्यों ये इन दोनों को आंख मार देती है। ये क्या हो रहा है भाई? और जिराया और नारुतो ये दोनों ठरकी ये दोनों खुश हो जाते हैं और जिराया नारुतो को चाबी देते हुए बोलता है, हां तो नारुतो मेरे बेटे एक अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से अपने रूम में जाकर सो जाओ और अपनी चाकरा पर फोकस करो, मैं जरा आता हूं। नारुतो बोलता है, ओए ठरकी सनिन पागल समझते मुझे। और नारुतो मुंह फुलाकर कमरे में जाकर अपनी चाकरा पर ध्यान देने लगता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सास्की अपनी चिडोरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे काशी के साथ मिलने के लिए जाना था। दरअसल काशी इस वक्त कोमा में है क्योंकि इताची के साथ पहले उसकी जो फाइट हुई थी उसकी वजह से काशी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। और काशी इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार होता है और उसे ठीक करने के लिए एक बहुत तगड़ा पैरामेडिकल निंजा चाहिए। पर इस विलेज में मेडिकल निंजास की बहुत ज्यादा कमी है। आसुमा कुरुनाए और माइटका यहाँ पर बैठे होते हैं और काशी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है और ये दोनों उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इताची इस विलेज में आ चुका है वगैरह वगैरह। और तभी सास्के यहाँ पर आ जाता है और इनकी बातों को सुन लेता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सास्के की जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, अपने बड़े भाई इताची से बदला लेना। और जब वो सुनता है कि वो नारुतो के पीछे है तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़कर भाग जाता है। वो नारुतो को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाता है, पर यहां पर नारुतो नहीं मिलता। और रामिन शॉप पर जाता है और उस शॉप के ओनर से पूछता है कि नारुतो कहां पर है। और ये बंदा बोलता है कि आज सुबह ही मास्टर जिराया के साथ कहीं पर निकल गया है। और ये बंदा बोलता है कि वो आज सुबह ही निकल चुके हैं किसी ओकटाकु टाउन में पहुंचने के लिए और सास्के को अभी तक जिराया के बारे में नहीं पता होता। और ये बंदा बोलता है कि ये जिराया तीन लेजेंडरी सनिन्स में से एक है, वो दिखने में थोड़े से बूढ़े हैं और उनके लंबे लंबे बाल हैं। सास्के बोलता है, अच्छा ठीक है समझ गया मैं। और ऐसा बोलकर ये यहां से चला जाता है और सास्के भागते भागते उस टाउन के अंदर पहुंचता है। सास्के यहां के हर एक होटल के अंदर जाकर पूछता है और इस तरफ नारुतो एक होटल के अंदर अपनी चाकरा पर फोकस कर रहा है, पर तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नारुतो बिस्तर से उतरकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने खड़ा है इताची उच्चीहा। भाई सीधा इसके घर पहुंच गया ये बंदा। भाई मेरे को डर लग रहा है यार देख के। अब इस तरफ सास्के टाउन के अंदर ढूंढ रहा होता है नारुतो को और भागते भागते अपने बीते हुए कल को भी याद करता है। अब इसके बाद हम इताची और सास्के की बैक स्टोरी को देखते हैं। विलेज के उच्चीहा क्लैन के मेंबर्स सभी लोग एक जगह पर रहते थे हिडन लीफ विलेज के अंदर ही। और इताची के घर पर सुबह सुबह ही इताची किसी मिशन पर जा रहा होता है। इताची अपने जूते पहन रहा होता है और तभी सास्के यहां पर आता है। सास्के इस वक्त 7 साल का होता है और पास आकर बोलता है, भैया क्या आप मुझे शुरिकेन जुत्सु सिखा सकते हो जब आप स्कूल से वापस आ जाओगे? पर इताची बोलता है, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम पापा से क्यों नहीं कहते? पर भैया मुझे पता है आप शुरिकेन जुत्सु में पापा से भी बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे काम है। आप मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करते हो? इताची सास्के को अपने पास बुलाता है। सास्के दौड़ के उसके पास जाता है और इताची बहुत क्यूटनेस से अपनी दो उंगलियों को उसके माथे के ऊपर रखता है। माफ करना सास्के, लेकिन फिर कभी, ठीक है? और ऐसा बोलकर इताची यहां से चला जाता है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इताची के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। अब ब्रेकफास्ट करते समय सास्के अपने फादर उनसे पूछता है, पापा भैया मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हां सास्के तुम्हारा भाई हमेशा से ही थोड़ा अजीब रहा है, वो बहुत गुमसुम सा रहता है, इसीलिए उसके बहुत कम दोस्त है। सच बोलो तो मैं भी उसे कभी समझ नहीं पाया जबकि मैं उसका पिता हूं। अब सास्के ब्रेकफास्ट करने के बाद अकेडमी की तरफ निकल जाता है। इताची 7 साल की उम्र में ही अकेडमी से ग्रेजुएट हो गया था जबकि नारुतो और सास्के 12 साल की उम्र में अकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे और इताची सिर्फ 10 साल की उम्र में ही एक टूनिन बन गया। इताची बहुत ही ज्यादा खतरनाक निंजा रहा है बचपन से ही। अब इस तरफ सास्के स्कूल में होता है और क्लास खत्म होते होते रात हो जाती है। सास्के भाग रहा होता है जल्दी से घर पहुंचने के लिए, पर जैसे ही सास्के आगे बढ़ता है और अपने टाउन में पहुंचता है तो वो देखता है कि कोई भी लाइट नहीं जल रही है किसी भी घर, सब कुछ सुनसान पड़ा है, एकदम शांति है। सास्के थोड़ा सा आगे जाता है और वो कुछ ऐसा देखता है कि वो डर से कांपने लग जाता है। ये देखकर सास्के देखता है कि उच्चीहा क्लैन के सभी लोग खून से लथपथ है और घायल होकर मरे पड़े हैं, सभी के सभी लोग मर चुके हैं। ये देखकर सास्के को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है और घबराते हुए अपने घर की तरफ जाता है। सास्के अपने घर जाता है और देखता है कि उसका घर पूरा सुनसान पड़ा है। सास्के अपने फादर और मदर के रूम में जाता है और वहां पर जाकर वो देखता है कि उसके मॉम और डैड दोनों मर चुके हैं और उनकी लाश के पीछे इताची खड़ा हुआ है। भैया ये सब कैसे हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये सब किसने किया? उसके ये सब बोलते ही इताची उसे बोलता है, ये सब मैंने किया है मेरे छोटे बेवकूफ भाई। क्या बोल रहे हो आप? ऐसा क्यों करोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। और इताची उसे सच्चाई दिखाने के लिए अपना एक गेनजुत्सु यूज करता है और सास्के को यकीन दिलाने के लिए इताची वही गेनजुत्सु यूज करता है त्सुकुयोमी, जो कि उसने काकाशी पर यूज किया था। और इताची सास्के को दिखाता है, इस 7 साल के बच्चे को दिखाता है कि कैसे उसने पूरे के पूरे उच्चीहा क्लैन को जान से मार डाला। ये नजारा देखकर सास्के का दिल बिल्कुल दहल जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और जैसे ही ये गेनजुत्सु खत्म होता है तो सास्के इताची को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी इताची एक जोरदार मुक्का मार देता है सास्के के पेट पर जिसकी वजह से सास्के वहीं पर गिर जाता है। भाई क्या बंदा है ये। इताची सास्के की तरफ एक कदम बढ़ाता है और सास्के को लगता है कि अब वो भी मरने वाला है और इसलिए डर के मारे यहां से भागने लगता है और रास्ते में दौड़ते हुए चिल्लाता है और भीख मांगता है अपने भाई से, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और तभी इताची उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर वो इताची से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, पर इताची उसे मारता नहीं है और बोलता है, मेरे बेवकूफ छोटे भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मारने का कोई मतलब नहीं बनता, पर अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो मेरे लिए तुम्हारे मन में सिर्फ नफरत होनी चाहिए। सास्के ये सब सुनकर
देखकर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सास्के नारुतो को ढूंढ रहा होता है। इस तरफ नारुतो देखता है कि उसके सामने इताची और किसामे खड़े हुए हैं और इताची बोलता है, इसे पता था कि तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ लड़की के अंदर नाइन टेल फॉक्स होगा। नारुतो सुनकर हैरान रह जाता है कि इसे नाइन टेल फॉक्स के बारे में कैसे पता है। उसके मुंह से नाइन टेल फॉक्स का नाम सुनकर नारुतो बिल्कुल चौंक जाता है। इसके बाद इताची नारुतो को बोलता है, नारुतो चलो हमारे साथ। क्या, पर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुम लोग हो कौन? इताची मुझे लगता है ये बच्चा भाग जाएगा तो शायद मुझे इस बच्चे की टांगे तोड़नी होंगी। इसामे की ये बोलते ही नारुतो पूरी तरह से डर जाता है, पर तभी सास्के यहां पर पहुंच जाता है जिसे देखकर इताची बोलता है, बहुत दिनों बाद मिले मेरे बेवकूफ छोटे भाई। सास्के कैसे हो? अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन को देखकर सास्के बहुत ज्यादा गुस्से में उसे देख रहा होता है। सास्के का खून खौलने लगता है और बोलता है, इताची उचिहा जैसा तुमने कहा था मैंने अपने अंदर नफरत को बढ़ा लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो। और बोलकर सास्के अपने दाएं हाथ में चिडोरी को एक्टिवेट कर लेता है। नारुतो समझ जाता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इताची उचिहा है, इसका बड़ा भाई। सास्के इताची पर हमला करने के लिए अपनी पूरी की पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और हमला करने ही वाला होता है कि तभी यहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि इताची अपनी जगह से एक इंच तक नहीं हिला है और सास्के की चिडोरी को अपने हाथ से ही रोक लिया है। सास्के अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इताची उसका हाथ ही तोड़ देता है और सास्के दर्द के मारे चिल्लाता है। नारुतो सास्के की हेल्प करने के लिए अपने अंदर से नाइन टेल चाकरा यूज करने लगता है पर तभी किसामे उसके चाकरा को पूरी तरह से सोख लेता है। ये देखकर नारुतो हैरान रह जाता है कि वो दोबारा अपने चाकरा पर फोकस नहीं कर पा रहा। किसामे नारुतो को मारने के लिए उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता है कि तभी जिराया यहां पर आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने टोड़ से रोक लेता है और हमें पता चलता है कि दरअसल नारुतो को जिराया से अलग करने के लिए इताची ने इस लड़की को अपने गेंजुत्सु में फंसा लिया था और इसी वजह से उसने उसको देखकर आंख मारी थी। और जिराया जब इसके साथ घूम रहा होता है इस लड़की के साथ तो उसे पता चल जाता है कि गेंजुत्सु का शिकार है। जिराया को यहां पर देखकर किसामे चौंक जाता है लेकिन इताची ज्यादा हैरान नहीं होता। जिराया अब इंट्रोडक्शन देता है, एक महान सेज कभी भी किसी औरत के झांसे में नहीं आता क्योंकि असली सुंदरता मुझ में है। और उसकी बातें सुनकर नारुतो बोलता है, अबे ओ चुप कर ले ठरकी सानिन, तू ही था इस लड़की के पीछे पागल ठीक है ना। अरे यार कम से कम दूसरों के सामने तो मुझे ऐसे मत बोल, मजाक करना बंद करो और सबसे पहले इन लोगों की चिंता करो। ठरकी सानिन इन्हें भगाओ यहां से, ताले मुझे ठरकी सानिन बोलना बंद करेगा। और इन दोनों की बातें सुनकर किसामे बोलता है, मास्टर जिराया तुम एक लेजेंडरी सानिन हो, तुमने उससे उस गेंजुत्सु को कैसे हटाया ये सब बताना तुम्हें जरूरी नहीं है, मुझे पता है तुम यहां पर क्यों आए हो, तुम्हें नारुतो चाहिए है ना। और इताची बोलता है, हां जिराया तुमने सही कहा, नारुतो वो खजाना है जो कि अकात्सुकी को चाहिए और हम उसे लेके ही रहेंगे, नहीं तुम उसे नहीं ले सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। नारुतो को ये बातें समझ में नहीं आ रही होती पर उनकी बातें सुनकर जिराया उन्हें एक आखिरी वार्निंग देता है, चले जाओ यहां से, अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को यहीं पर मार सकता हूं। और जिराया जैसे ही ये बोलता है तो सास्के खड़ा हो जाता है और बोलता है, इताची सिर्फ मेरा है और उसे सिर्फ मैं मारूंगा। सास्के चले जाओ यहां से, मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं, चिंता मत करो अभी तुम्हें दिखाता हूं। और ऐसा बोलकर सास्के उस पर हमला करता है लेकिन तभी इताची सास्के को एक जोरदार किक मारता है और सास्के दूर दीवार पर जाकर लगता है। नारुतो सास्के को इस तरह से पिटता हुआ देखकर उसकी हेल्प करने के लिए इताची पर हमला करता है पर उससे पहले ही सास्के नारुतो को बोलता है, नारुतो अपने काम से काम रखो, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और इताची को सिर्फ मैं मारूंगा। और ऐसा बोलकर सास्के एक और बार खड़ा होता है और इताची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर इस बार इताची उसके हर एक अटैक को डॉच करके सास्के को बुरी तरह से पीटता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि इताची के सामने सास्के कुछ भी नहीं होता। नारुतो और जिराया बस उसे मार खाता हुआ देखते हैं और आखिर में सास्के बुरी तरह से घायल हो जाता है, कुछ करने की हालत में नहीं रहता और नीचे लेट जाता है। और इताची सास्के की गर्दन को पकड़कर उसे एक दीवार के साथ लगाता है और बोलता है, सास्के तुम अभी भी कमजोर हो, तुम्हारे अंदर जरा सी भी नफरत नहीं है और तुम जानते हो वो नफरत कभी आएगी भी नहीं। इताची फिर से सुकुयोमी का यूज करता है जो कि उसने किया था जब सास्के सिर्फ 7 साल का था। सास्के उस गेंजुत्सु में देखता है कि कैसे इताची ने किस तरह से अपने माँ बाप को बहुत बेरहमी से मारा और उस नजारे को देखकर सास्के जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। सास्के की इस हालत को देखकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इताची पर हमला करने के लिए वो दौड़कर उसके पास जाता है। किसामे उस पर हमला करता है पीछे से पर तभी जिराया सेंसे टोड माउथ स्ट्रैप नाम का एक जुत्सु परफॉर्म करता है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जगह एक मेंढक के पेट के अंदर की तरह का दिखता है और इस जुत्सु की वजह से इताची और किसामे के पैर चिपक जाते हैं और दोनों किसी तरह से यहां से भागने लगते हैं पर इसका कुछ भी फायदा नहीं। तभी इन दोनों को सामने एक खिड़की दिखाई देती है और इताची कुछ ऐसा करता है कि यहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और दोनों यहां से बाहर चले जाते हैं। इताची ने अभी जो परफॉर्म किया उसकी वजह से उसका चाकरा बहुत कम हो जाता है और इस तरफ नारुतो और जिराया उसी जगह पर जाते हैं जहां से ये दोनों भागे हैं और देखते हैं कि यहां पर आग लगी हुई है पर इस आग का रंग काला है। नारुतो उसके पास जाता है पर जिराया उसे वहीं पर रोक देता है। दरअसल ये काली आग बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी खासियत ये है कि ये पानी या फिर किसी भी चीज से नहीं बुझती है और अगर ये आग शरीर के ऊपर लग जाए तो जब तक शरीर पूरी तरह से राख नहीं हो जाता जलकर ये नहीं बुझती तब तक ये आग जलती रहेगी और इंसान को तड़पाती रहेगी। और इस आग को बुझाने के लिए जिराया एक सीलिंग जुत्सु का यूज करता है और वो काली आग उस स्क्रोल के अंदर सील हो जाती है। अब ये दोनों सास्के के पास जाते हैं और तभी गाय सेंसे यहां पर आ जाता है और एक जोरदार किक जिराया के मुंह के ऊपर मारता है। डायनामिक एंट्री, माइट गाय को लगता है कि अभी उसने किसी ताकतवर दुश्मन पर हमला किया है पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि जिराया सेंसे है तो माइट गाय के रिएक्शन कुछ इस तरह के होते हैं और लात मारने के बाद बोलता है, अरे
मुझे माफ करना, मुझे लगा कि आप मेरे दुश्मन हो। I'm really sorry। साले सॉरी के लगते, अपना मुंह बंद रख ले और सुनो मेरी बात, जितनी जल्दी हो सके सास्की को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मास्टर जिराया, जैसा आप बोलो। थर्किसानिन, सास्की अभी तक बेहोश है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? नारुतो, इताची ने उसे बुरी तरह से पीटा है, फिजिकल और मेंटल तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होगा अभी तक, पर चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मास्टर जिराया, आपने सही बोला, काकाशी की हालत भी कुछ ऐसी ही है, बिल्कुल सास्की जैसी, क्योंकि इताची ने उस पर वही गेंजुत्सु यूज किया। क्या, अब काकाशी भी? काकाशी सेंसेई को क्या हुआ? हां नारुतो, काकाशी इस वक्त कोमा में, सास्की पूरी तरह से एक अधमरी कंडीशन में होता है, और सास्की को देखकर माइट गाय को अपनी स्टूडेंट रॉकली की याद आ जाती है और बोलते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लड़ाई में हारता हुआ देखना बहुत मुश्किल होता है, इससे बुरा और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हार ही हमें असली में जीतना सिखाती है, लेकिन मेरे ली के साथ ऐसा नहीं हुआ, पिछली हार के बाद से ही वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, और ली कभी एक निंजा नहीं बन सकता, उसकी इंजरीज को ठीक करने वाला कोई निंजा भी नहीं है। हाँ गाय, तुम सही कह रहे हो, और मैं उसी औरत को ढूंढ रहा हूँ जो कि एक मेडिकल निंजा है, जो कि काकाशी, सास्के और तुम्हारे स्टूडेंट को भी ठीक कर दे। क्या आपने भी औरत कहा? हाँ, मेरा मतलब उसी औरत से है, बिल्कुल मेरी तरह, वो भी तो एक सानिन ही है, हमारी विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा की पोती सुनाडे। अब इसके बाद सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और मास्टर जिराया सास्के को माइट गाय को दे देते हैं और बोलते हैं, तो माइट गाय, अब सास्के की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मास्टर जिराया, आप चिंता मत कीजिए, आप बस लेडी सुनाडे को लेकर आइए, इस वक्त विलेज को मेडिकल निंजास की बहुत जरूरत है। और माइट गाय सास्के को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नारुतो जिराया से पूछता है कि वो कौन थे और वो उसे चाहते क्या है, और जिराया बोलता है, नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको लेने आए थे। मेरे अंदर? ऐसा क्या है मेरे अंदर? एक खतरनाक राक्षस जिसने ली विलेज में तबाही मचाई थी, है ना, पर वो लोग इसे क्यों पाना चाहते हैं? जिराया बोलता है, क्योंकि नाइन टेल फॉग के अंदर इतना भारी मात्रा में चक्रा है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते नारुतो, शायद ये लोग इसकी ताकत को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कुछ और जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएंगे। इसके बाद ये दोनों चलने लगते हैं और फाइनली ये दोनों एक छोटे से विलेज के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस विलेज में एक फेस्टिवल जैसा कुछ चल रहा होता है और नारुतो और परवीसीज यहाँ पर मजे करने लगते हैं। नारुतो कुछ शॉपिंग वगैरह करता है और जिराया कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। भाई कितना बड़ा लड़की यार ये, जिराया दारू पी रहा होता है और नारुतो का वो भरा हुआ पर्स पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये पर्स नारुतो का था जो कि इसने परवीसीज को दिया था। ये देखकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं और चिल्लाकर बोलता है, साले ठगी, तेरी ऐसी की तैसी, रुक तू। अरे नारुतो मेरी बात तो सुनो यार, तूने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए, तेरे को नहीं छोड़ता मैं, रुक जा तू। और वो दोनों लड़कियां ये सब सुनकर यहां से भाग जाती हैं। नारुतो जिराया पर हमला कर देता है और उसके सिर पर मारने लगता है और तभी दो बंदे यहां पर आ जाते हैं और वो आइसक्रीम जो कि नारुतो ने इस वक्त पकड़ रखी होती है जिराया को मारने के लिए, वो गलती से उनकी कोट पर जाकर लगती है और यहां पर दाग पड़ जाता है उसकी शर्ट के ऊपर। बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे बॉस के सूट को खराब कर दिया, ये पूरी 1,00,000 की है, अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। क्या 1,00,000? इतना घटिया सूट 1,00,000 का, मजाक कर रहे हो क्या? उससे पंगा मत लो, तुम मुझे नहीं जानते। और तभी जिराया के दाएं हाथ में बहुत ज्यादा चक्र आने लगता है और उस चक्र की बॉल को उस आदमी के पेट के ऊपर मारते हैं और वो उड़ते उड़ते बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर नारुतो इंप्रेस हो जाता है, दुकान पूरी तरह से टूट जाती है और जिराया उस दुकानदार को पैसे देकर यहां से चला जाता है। अब इसके बाद जिराया नारुतो को एक खुले मैदान में लेकर जाता है और उसे एक पानी से भरा हुआ बैलून देते हैं। तो नारुतो अगर तुम उस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो इसे ध्यान से देखो, जिराया सेंसेई उस पानी के बैलून को एक ही सेकंड में पूरी तरह से फोड़ देते हैं। नारुतो ये देखकर हैरान रह जाता है। नारुतो पेड़ पर चढ़ने वाली उस एक्सरसाइज से तुमने चक्रा को इकट्ठा करना सीखा है और पानी पर चलने वाली टेक्निक से तुमने उस चक्रा को थोड़ा सा बाहर निकालना सीखा है और अब इस ट्रेनिंग से तुम चक्रा की एक धार निकालना सीखोगे जिस तरह से मैंने अभी तुम्हें दिखाया। तुम्हें इस वाटर बैलून पर फोकस करके इसे फोड़ना है। अच्छा तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है, उस चक्रा का यूज करके इस बैलून के अंदर के पानी को जला। अच्छा ठीक है समझ गया, तो मुझे पानी को बस इतना हिलाना है कि ये बैलून फट जाए। और नारुतो उस पानी को हिला देता है। अरे तो बहुत आसान निकला, पानी अंदर से स्पिन कर रहा होता है। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक नारुतो इसको फोड़ नहीं पाया है बैलून को। जिराया नारुतो को अपने पास बुलाता है। हाँ तो नारुतो किस दिशा में घुमा रहे हो इस पानी को? लेफ्ट, इधर आओ। वो नारुतो के सर को देखते हैं और बोलते हैं कि नारुतो एक राइट रोटेशन टाइप है और वो लेफ्ट की तरफ घुमा रहा है और उसे अगर इस पानी की बैलून को फोड़ना है तो उसे राइट की तरफ को घुमाना होगा उस बैलून के अंदर के पानी को। किसी बंदे का चक्रा लेफ्ट या राइट दोनों दिशाओं में घूम सकता है और नारुतो राइट ही है। दरअसल जिराया को ये चीज नारुतो के बालों को देखकर पता चला, जिसके बाल राइट की तरफ घूमते हैं वो राइट ही होता है, जिसके लेफ्ट की तरफ वो लेफ्ट ही होता है। तो ठीक है, चक्रा पर फोकस करके इसे दाईं तरफ घुमाओ। तो भुलक्कड़ बच्चे चलो शुरू हो जाओ, नारुतो बोलता है। अबे भुलक्कड़ किसे बोल रहे हैं? तो देख मैं कैसे करता हूं इसे, अभी करता हूं। जिराया बताता है कि ये जुत्सु फोर्थ होकागे का जुत्सु है और इसमें माहिर बनने के लिए उन्हें 3 साल लगे थे, ये दुनिया का सबसे मुश्किल जुत्सु है। जिराया बेस्ट ऑफ लक बोलकर यहां से चला जाता है। नारुतो पूरी रात प्रैक्टिस करता है, वो कुछ दिनों तक ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है पर नारुतो उस बैलून को फोड़ नहीं पा रहा है। प्रैक्टिस की वजह से उसके हाथों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। पूरा एक हफ्ता बीत जाता है पर नारुतो वहीं के वहीं है। पर एक दिन सुबह वो उठकर देखता है कि एक बिल्ली उस पानी के बैलून को अपने पंजों से लेफ्ट और राइट की तरफ घुमा रही है और स्पिन करने की वजह से वो बैलून फट जाता है। उसे देखकर नारुतो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। नारुतो जिराया के पास जाता है और जिराया सो रखा होता है और नींद में बोलता है, और नारुतो तुम आ गए, मुझे थोड़ा सा पानी दो ना। अच्छा तो तुम्हें पानी चाहिए? पानी पानी पानी, लो पी लिया पानी। वो पानी सीधा जाकर मुंह पर गिरता है जिराया के। हाँ तो ठरकी सनीन, ये पहला पड़ाव था ना, चलो मैंने सीख लिया इसे, अब अगला बताओ। जिराया उठ जाता है और नारुतो उसे दोबारा से उसे जुत्सु को करके दिखाता है। सबसे पहले नारुतो अपने बाएं हाथ में उस बैलून को रखता है और अपने दाएं हाथ से चक्र को जमा करके इस बैलून के पानी को चारों तरफ से घुमाता है और आखिरकार वो बैलून फट जाता है। अब इसके बाद ये दोनों वापस से ट्रेनिंग करने लगते हैं और अब पहला
पड़ाव पास होने के बाद बारी है दूसरे की। जिराया उसे एक रबर बॉल देता है। जिराया उसे एक डेमो करके दिखाता है और नारुतो बिल्कुल वही टेक्निक को यूज करता है इसे फोड़ने के लिए, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिराया बोलता है, तो पहला स्टेप था रोटेशन और दूसरा है फोर्स। इसके अंदर पानी नहीं हवा है, तुम्हें अपने चाक्रा से इस पर जोर लगाना होगा। चलो भाई नारुतो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मुझ पर डिपेंड मत रहो, खुद से सीखना होगा तुम्हें। नारुतो पूरी मेहनत करता है पर पहले वाले से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नारुतो बहुत सारी टेक्निक अप्लाई करता है इसे फोड़ने के लिए, पर इसे फोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अब 3 हफ्ते बीत जाते हैं और परवी सेज नारुतो को कुछ लंच वगैरह लेने के लिए भेजता है बाजार में, और बाजार में नारुतो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से उसे अपने लिए थोड़ा सा दुख होता है। वो देखता है कि एक बच्चा अपने फादर को आइसक्रीम खरीदने के लिए जिद कर रहा होता है और उसके फादर दो आपस में जुड़ी हुई आइसक्रीम्स को लेकर उसे अलग अलग कर देते हैं। एक पीस अपने बेटे को देते हैं और दूसरा पीस खुद रख लेते हैं। पिता और एक बेटे के बीच में इस प्यार को देखकर नारुतो इमोशनल हो जाता है। अगले दिन नारुतो फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उस बॉल को नहीं फोड़ पा रहा होता। नारुतो के दोनों हाथ दर्द के मारे कांपने लगते हैं और तभी अचानक से उसकी विल पावर बढ़ जाती है और डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में आज इसे फोड़ कर ही रहेगा। और तभी नारुतो के अंदर से बहुत सारा चाकरा निकलने लग जाता है और आखिरकार इस बॉल को फोड़ देता है, पर इसमें से एक छोटा सा छेद ही हो पाता है। तभी जिराया पीछे से आकर बोलता है, क्या बात है नारुतो, तुमने थोड़ी सी तरक्की तो की है। अरे रहने दो, मैंने बस एक छोटा सा छेद किया है। चलो कोई नहीं, तुम्हें आखिरकार कुछ तो समझ में आया, चलो अब इसे जल्दी से खत्म करो। जिराया उन आपस में लगी हुई आइसक्रीम में से एक नारुतो को देता है और ये देखकर नारुतो को जिराया सेंसेई में अपने फादर नजर आते हैं। नारुतो के फादर नहीं है लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि जिराया उसके फादर जैसे ही है। और दूसरी तरफ माइट गाय सास्के को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। साकुरा भी यहाँ पर होती है, सास्के कोमा में होता है। और इस तरफ हम दो औरतों को देखते हैं और ये दोनों एक बहुत बड़े से रूम में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ये वाली इनके सामने बैठकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और इनके साथ जुआ खेलती है। और कुछ टाइम बाद वो सारे के सारे पैसे हार जाती है जुए में और सभी लोग हंसने लगते हैं उस पर। और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि माहिर मेडिकल निंजा लेजेंडरी सानिन सुनाडी सेंजू है और ये उसकी असिस्टेंट चिज़ुने होती है। और मास्टर जिराया इस लड़की को ही ढूंढ रहा होता है। इस तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत मिस्टीरियस सी अबैंडेंड जगह पर ओरोचिमारू छिपा होता है। थर्ड होकागे की उस रीपर डेथ सील की वजह से ओरोचिमारू के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं और सड़ने की वजह से दर्द भी कर रहे होते हैं और वो इस दर्द को ज्यादा समय तक नहीं सहन कर सकता और वापस से पहले की तरह ठीक होना चाहता है किसी भी हालत में और उसे एक माहिर मेडिकल निंजा की जरूरत है। तभी काबुटो उसके पास आता है और बोलता है, काबुटो मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकता, हमें जानता हूँ ओरोचिमारू सर, इसलिए मैं आपके लिए रोज दवाई बनाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी उन बेकार दवाइयों से मेरा कुछ नहीं हो रहा और ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। हाँ तो आपको दर्द तो होगा ही ओरोचिमारू, क्योंकि थर्ड होकागे का शराब जो है बहुत बोल लिया तुमने। काबुटो जिसकी मुझे तलाश है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? हाँ ओरोचिमारू सर, मैंने उसे ढूंढ लिया, वो अभी तानजाकू टाउन में है। पर ओरोचिमारू सर थोड़ी सी दिक्कत है, आपका पुराना दोस्त वहीं पर है और उसके साथ नारुतो भी है, ये दोनों हमारे काम में टांग अड़ा सकते हैं। कोई बात नहीं, सबसे अच्छी दवाई अक्सर कड़वी ही होती है, तो तुम तैयारी करो, हम इसी वक्त वहाँ पर जा रहे हैं। और ये दोनों सुनाडे को ढूंढने के लिए तानजाकू टाउन में जाने लगते हैं और इस तरफ जिराया नारुतो को एक कागज का टुकड़ा दिखाता है। हाँ तो नारुतो ये क्या है? अंधा है क्या? एक पेपर है। अरे नहीं दोबारा देखो। जिराया उस कागज के बीच में एक छोटा सा निशान लगा देता है। ये क्या है? हाँ तो नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब तुमने पहले इस कागज को देखा तो तुमने सबसे पहले कागज के इस बीच वाले निशान को ही देखा। जब कोई इंसान खाली कागज को देखता है तो वो किसी एक जगह पर फोकस नहीं करता बल्कि पूरे कागज को ही घूरता है, पर अगर उस कागज के अंदर एक निशान लगा हो तो आदमी की नजर उस निशान पर ही जाती है सबसे पहले। दरअसल इसी से ही हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर तुम उस बॉल को ठीक तरह से फोड़ना चाहते हो तो उस बॉल पर अच्छे से कंसंट्रेट करके फोकस करना होगा, समझे नारुतो? हाँ जिराया मैं समझ गया, मुझे सिर्फ अच्छे से कंसंट्रेट करना है। इसके बाद जिराया यहाँ से चला जाता है और नारुतो वापस से अपने उसी काम में लग जाता है। यहाँ से जाने के बाद जिराया इस टाउन के हर एक रेस्टोरेंट और होटल में जाकर सुनाडे सेंजू की पुराने वाली फोटो दिखा के उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी सुनाडे को नहीं देखा होता। रात हो जाती है और अभी तक जिराया उसे ढूंढने में लगा होता है, पर जैसे ही वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उनसे पूछता है सुनाडे के बारे में, तो वो बताता है कि वो सुनाडे के साथ जुआ खेलकर उसे हरा चुका है। इसके अगले दिन सुबह के समय ओरोचिमारू और काबुटो आखिरकार इस टाउन में पहुंच जाते हैं और इस तरफ नारुतो मैदान के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। नारुतो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी बस एक छोटा सा छेद ही कर पाता है और नारुतो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब इरुका सेंसेई ने नारुतो को और उसके साथ 3 और लोगों को एक पनिशमेंट दी थी कि उन्हें इनके सिर पर रखे हुए इस पत्ते पर कंसंट्रेट करना है, लेकिन नारुतो ने उस ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया और यहाँ से भाग गए थे। और नारुतो को इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि अगर उस वक्त उसने प्रैक्टिस कर ली होती तो आज इसे इतनी मुश्किल नहीं आती। अब नारुतो फिर से कोशिश करने लगता है और इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली इस बार वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है। उसके अंदर से दोबारा से चाकरा निकलती है और अपने दाएं हाथ से उस बॉल पर चारों दिशाओं से चाकरा लगाता है और आखिरकार वो बॉल जोर से फट जाती है। वो बॉल फटती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और नारुतो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिराया सेंसेई उसे संभालते हैं। इस लड़के में कुछ तो बात, चाकरा इतना ज्यादा अमाउंट में था। बहुत बढ़िया नारुतो, लगता है तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो। थैंक यू जिराया सेंसेई, अब तीसरा स्टेप क्या है? अरे नहीं अभी नहीं, आज के लिए इतना काफी है। इस तरफ सुनाडे और सिज़ुमे एक लॉटरी मशीन में होते हैं और सुनाडे अपनी किस्मत आजमा रही होती है और हैंडल को खींचते ही 7-7-7 आता है और वो जीत जाती है। पर सुनाडे को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, दरअसल जुए की किस्मत उसकी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आज अचानक से ही जीतने की वजह से उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये दोनों उस लॉटरी के अमाउंट को वहां से लेकर जाते हैं और जैसे ही एक कैसल के पास पहुंचते हैं तो उस कैसल में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सुनाडे और शिज़ुने देखते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा सांप है जिसके ऊपर ओरोचिमारू और काबुटो
खड़े हुए हैं और ओरोचिमारु उसे देखकर बोलता है, सुनाडे मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सुनाडे उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये दोनों नीचे आते हैं। दरअसल मैं तुमसे एक एहसान चाहता हूं, मैं थर्ड होकागे का कत्ल कर रहा था तो वो मरने से पहले मेरी ये हालत करके गए। ओरोचिमारु की बात सुनकर सुनाडे और शिजु में पूरी तरह से चौंक जाते हैं। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही है, सभी इंसान एक दिन खत्म हो ही जाते हैं। और ये बात तुमसे अच्छे से और कौन जान सकता है, क्योंकि तुम वो हो जिसने अपने सबसे करीबी दो लोगों को खोया है। सच में वो दोनों कितनी बुरी मौत मरे थे। ओरोचिमारु की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, शिजु ने उस पर सेनबोन से हमला करती है, पर तभी काबुटो ओरोचिमारु के सामने आ जाता है और उसकी सारी के सारी सेनबोन को अपनी कुनाई से डॉज करता है। वो देखता है कि उसकी उस सेनबोन पर पॉइजन लगा हुआ है। काबुटो पर फिर से हमला करती है, पर सुनाडे शिजु ने को रुकने के लिए बोलती है और तभी ये औरत एक ही मुक्के में अपने पीछे वाली दीवार को तोड़ देती है। ये देखकर काबुटो चौंक जाता है और बोलता है, लेडी सुनाडे हम यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हैं। पर सुनाडे बोलती है कि वो उनसे कोई बात नहीं करना चाहती और इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर ये नामुमकिन है। देखिए सिर्फ आप ही हैं जो ओरोचिमारु को ठीक कर सकती है। पर सुनाडे बोलती है कि वो सिर्फ 5 तक गिनेगी, अगर ये लोग इसकी नजरों से नहीं हटे तो इन्हें खत्म कर देगी। तभी ओरोचिमारु बोलता है, सुनाडे तुम्हारे भाई को वापस से जिंदा कर दूंगा, बस तुम मेरी हेल्प करो। ओरोचिमारु से ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है। दरअसल इन दोनों के बारे में बात कर रहा होता है, इनमें से ये वाला सुनाडे का छोटा भाई और ये वो है जिसे ये पहले पसंद करती थी, और ये दोनों बहुत पहले ही निंजा वॉर के समय मर चुके हैं। सुनाडे पूछती है कि वो ऐसा कैसे करेगा। हाँ, ये मैं इसे अपने नए फॉरबिडन एनिमेशन जुत्सु से करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे इन हाथों को ठीक करना है। पर सुनाडे बोलती है कि ये इसके हाथों के ठीक होने के बाद क्या करना चाहता है। तुम जानते हो कि मुझे झूठ पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तो सुनाडे इस बार मैं हिडन लीफ विलेज को मिट्टी में मिला दूंगा। ये सुनकर सुनाडे और शिजु ने कांप जाती है। इस तरफ नारुतो अपनी वो सेकंड स्टेप में माहिर हो चुका है, पर फिर भी इसका मूड खराब है। क्या हो गया भाई नारुतो को, क्योंकि जिराया ने इसे बोला था कि वो उसे थर्ड स्टेप सिखाएगा, पर जिराया ने उस ट्रेनिंग को बीच में ही रोक दिया है। हाँ नारुतो, मुझे पता है तुम बहुत एक्साइटेड हो उस थर्ड स्टेप के लिए, पर सच बोलूं तो तुम उसे चलते चलते ही सीख लोगे। तभी जिराया एक बैलून को अपने मुंह से फुलाकर नारुतो को देते हैं और उस हवा से भरे हुए बैलून को अपने हाथ में रखकर बोलते हैं, हाँ तो ये तीसरा स्टेप है। हाँ तो नारुतो, पहले पड़ाव में तुमने चक्र को स्पिन करना सीखा, दूसरे में तुमने चक्र की ताकत को बढ़ाना सीखा है, और अब तीसरे और आखिरी पड़ाव में अपने चक्र को किसी भी शेप में ढालना सीखना होगा। जरा इस बैलून को देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इस बैलून को सिर्फ अभी पकड़ रखा है, पर ऐसा नहीं है। अब मेरे दूसरे हाथ को देखो। और जिराया अपने बाएं हाथ से उसी टेक्निक का यूज करता है, चक्र को इकट्ठा करके उसे बहुत ज्यादा तेजी से घुमाता है। उसे देखकर नारुतो बोलता है, ये तो एक बिल्कुल गोल शेप में बन गया और बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है। हाँ नारुतो, ये बिल्कुल एक चक्र के बवंडर जैसा लग रहा है ना। अच्छा तो परविसिज, जो अभी आपके हाथ में बैलून है वो बिल्कुल जैसे आपके लेफ्ट हैंड में हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही इस बैलून के अंदर भी हो रहा है ना। हाँ नारुतो बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें अपने चक्र को पूरी तेजी के साथ स्पिन करना है और उसे एक बॉल की शेप में लेकर आना है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मैं समझ गया, मुझे चक्र को एक शेप के अंदर लेकर आना है और उसके अंदर की रोटेशन और उसकी फोर्स को मेंटेन करके रखना है। तो चलो नारुतो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। जिराया उस जुत्सु की ताकत को एक पेड़ के ऊपर आजमाता है और उस पेड़ का ऐसा हश्र देखकर नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये जुत्सु बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद नारुतो एक बैलून को अपने हाथ में रखकर अपने दूसरे हाथ से चक्र को इकट्ठा करके अपने रोटेशन और अपनी स्पीड को और फोर्स को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह बैलून फट जाता है। अब इसके बाद ये दोनों वापस से उस विलेज के अंदर जाते हैं और जिराया फिर से सुनाडे की तस्वीर को दिखाकर उसे ढूंढ रहा होता है, और नारुतो उस बैलून को ना फोड़ते हुए उस बैलून के अंदर चक्र को स्पिन करने की कोशिश करता है और उसे मेंटेन करने की भी कोशिश करता है, पर नारुतो बार बार उस बैलून को फोड़ देता है। और फाइनली सुनाडे के बारे में पता करने के लिए जिराया एक जुए के अड्डे के अंदर जाता है और यहाँ पर मौजूद ये बंदा बोलता है कि इसे पता है कि सुनाडे इस वक्त कहाँ पर है, पर जिराया को पहले इसे जुए में हराना होगा, तभी वो उसकी लोकेशन बताएगा। जिराया इसके लिए मान जाता है और इस तरफ नारुतो बहुत तेजी से उस बैलून के अंदर चक्र भरता है और वो बैलून फट जाता है और उसके अंदर से जो चक्र निकलता है उसकी वजह से वो आदमी जुए में हार जाता है और बताता है कि अभी अभी सुनाडे उस बड़े से कैसल के पास से होकर गुजरी है। और बिना टाइम वेस्ट के जिराया और नारुतो उस कैसल के पास जाने लगते हैं, और जैसे ही वो उस कैसल के पास पहुंचते हैं तो जिराया देखता है कि वो बड़ा सा कैसल उस जगह पर है ही नहीं और सारे लोग उस जगह से दूर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि बहुत बड़े सांप ने उस कैसल को तोड़ दिया है। जिराया समझ जाता है कि ओरोचिमारु का काम है और जल्दी से नारुतो को लेकर वहां पर जाने लगता है। इस तरफ ओरोचिमारु बोलता है कि वो अपने हाथ ठीक होने के बाद हिडन विलेज को मिट्टी में मिला देगा। शिजु उसे बहुत समझाती है, लेकिन सुनाडे बस खामोश होकर उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है। तभी काबुटो बोलता है, कोई बात नहीं लेडी सुनाडे, हम एक हफ्ते बाद फिर से मिल सकते हैं, आप आराम से इसके बारे में सोचिए और याद रखना अगर आपका जवाब हाँ है तो इस जुत्सु के लिए दो इंसानी लाशों की भी जरूरत पड़ेगी और उसका बंदोबस्त करना सिर्फ आपका काम है। शिजुने के बोलने के बावजूद भी सुनाडे खामोश रहती है और तभी ओरोचिमारु बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाता है और एक उंगली को अपने दांतों से काटता है और इस खून को देखकर सुनाडे डर के मारे कांपने लगती है। और काबुटो समझ जाता है कि सुनाडे को हीमोफोबिया है, मतलब कि इसे खून देखकर बहुत डर लगता है। और इसके बाद ये दोनों यहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो और जिराया यहां पर आते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि लोग लेट हो चुके हैं और फिर से सुनाडे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एक रेस्टोरेंट के अंदर सुनाडे शराब की बोतलें पी रही होती है और तभी जिराया और नारुतो भी यहां पर आ जाते हैं। जिराया की नजर सुनाडे पर पड़ती है, सुनाडे भी जिराया को देख लेती है और एक दूसरे को बहुत अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। भाई ये कैसे देख रहे हैं ये, जिराया चिल्लाकर बोलता है, सुनाडे तू मिल गई, तेरे को कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने, जिराया तुम यहां पर क्या कर रहे हो। इसके बाद जिराया और नारुतो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और ये दोनों दारू पी रहे होते हैं और सुनाडे बताती है कि आज ओरोचिमारु से मिली। और तभी सुनाडे अपने निकालती है, मतलब कि एक ताश सी, और उसे टेबल पर रख देती है और जिराया बोलता है, सुनाडे हम बहुत समय से तुम्हें
ढूंढ रहे थे। हिडन लीफ विलेज ने यह तय किया है कि तुम्हें फिफ्थ होकागे बनाया जाए। जिराए की बातें सुनकर शिजो ने चौंक जाती है और नारुतो के गले में वो मछली फंस जाती है जो कि वो खा रहा होता है और बहुत मुश्किल से उसे निकलता है। जिराए बोलता है, हां तो सुनाडे, तुमने थर्ड होकागे के बारे में सुन लिया होगा, वो मर चुके हैं। सुनाडे बोलती है कि वो जानती है ये ओरोचिमारू का काम है, उसने खुद ही इसे ये चीज बताई थी। नारुतो को ओरोचिमारू के बारे में नहीं पता होता और जिराए से पूछता है कि ओरोचिमारू कौन है और जिराए बताता है कि ओरोचिमारू भी बिल्कुल उसी की तरह एक लेजेंडरी सानिन है। सुनाडे नारुतो के बारे में पूछती है जिराए से ये बच्चा कौन है और नारुतो बोलता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, ठरके सानिन तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम्हें इसी वक्त ओरोचिमारू को मारना होगा और हां ये लड़की होकागे बनेगी है, इसमें कुछ नहीं है, यूजलेस है ये। जिराए बोलता है, नारुतो शांत हो जाओ। नहीं होता शांत नारुतो, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। और इसके बाद जिराए बोलता है, लेडी सुनाडे मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, लीफ विलेज ने फिफ्थ होकागे के रूप में तुम्हें चूज किया है और जिराया फिफ्थ होकागे का ऑफर देने आया है इसको, और दूसरी तरफ ओरोचिमारू ने इसे खुली धमकी दी है कि इसके भाई और इसके होने वाले पति को रिवाइव करने के बाद ये हिडन लीफ विलेज को दबा कर देगा। और सुनाडे बहुत टाइम तक सोचने के बाद बोलती है, जिराया माफ करना पर मेरा जवाब ना है। नारुतो उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है भाई, मुझे भी बता दो कुछ। थर्की सानिन तूने पहले बोला था ना हमें एक माहिर मेडिकल निंजा चाहिए जो कि काकाशी सेंसेई, सास्के और रॉकली को ठीक कर सके, फिर तुम इस औरत को होकागे बनने के लिए क्यों बोल रहे हो। जिराया बोलता है, अरे चिंता मत करो नारुतो, सुनाडे अच्छे से जानती है कि हमें मना नहीं कर सकती, इसने हमारे विलेज के लिए पहले बहुत कुछ किया है। निंजा वॉर के समय सुनाडे ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, उस समय पर जब युद्ध चल रहा था तो हमारे विलेज के बहुत से निंजास बुरी तरह से घायल हो गए थे, उस वक्त सुनाडे की हीलिंग जुत्सु की वजह से उन निंजास के सारे घाव भरे थे। और इससे भी बड़ी बात, हमारे विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की पोती है सुनाडे, इसलिए मैं मानता हूँ कि सुनाडे पूरी तरह से फिफ्थ होकागे बनने के काबिल है। और तभी सुनाडे बोलती है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, चलो जो भी हो, थर्ड होकागे हमारे सारुतोबी सेंसेई भी बिल्कुल बेवकूफ है, उन्हें पता होना चाहिए था उनकी उम्र के लोग आराम करते हैं, हीरो नहीं बनते। नारुतो को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और सुनाडे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिराए उसे रोकता है, थर्की सानिन छोड़ो मुझे, मैं इस औरत को थर्ड होकागे का मजाक बनाने नहीं दे सकता। और लेडी सुनाडे नारुतो को बोलती है, अबे छुटकू बैठा रहे तू, ठीक है ना, तेरे अंदर सिर्फ अकड़ है और कुछ नहीं। और अब ये चारों लड़ाई करने के लिए बाहर आते हैं और सुनाडे बोलती है, मेरे जैसे एक लेजेंडरी सानिन एक छोटे से बच्चे को मारेगी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ध्यान से देखो बच्चे, मैं तुम्हें इस उंगली से हराने वाली हूँ, इसका इंतजार कर रहे हो, आ जाओ। नारुतो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर सुनाडे एक उंगली से नारुतो पर हमला करती है और नारुतो दूर जाकर गिरता है। नारुतो बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तुम बस देखना मैं एक दिन तुम्हें होकागे बनकर दिखाऊंगा और ये मेरा सपना है। उसकी बातें सुनकर सुनाडे को उसके छोटे भाई और जिसे वो पसंद करती थी उसका होने वाला पति नारुतो में उसे दिखाई देता है। और इसके बाद नारुतो फाइनली अपने हाथों में चाकरा को जमा करता है और एक बॉल शेप में लेकर आकर सुनाडे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और सुनाडे जैसे ही उस बॉल को नारुतो के हाथों में देखती है तो पूरी तरह से चौंक जाती है। अब नारुतो अपने इस नए जुत्सु से सुनाडे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर सुनाडे अपनी इसी उंगली से जोर से जमीन पर वार करती है और उसके ऐसा करते ही ये जमीन बीच में से फट जाती है और एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है और नारुतो हमला करने से पहले ही उस दरार के अंदर फंस जाता है और शिजो ने उसकी हेल्प करती है। सुनाडे की एक उंगली से ही ये दरार बन गई थी। जिराया उसे देखकर सोचता है कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सुनाडे नारुतो के हाथों में इस नए जुत्सु को देखकर सोचती है, यकीन करना काफी मुश्किल है, ये जुत्सु तो फोर्थ होकागे का है, इस जोकर ने ये कैसे परफॉर्म कर दिया। सुनाडे जिराया को बोलती है, ओए जिराया तुमने इस बेकार से बच्चे को रासेंगन सिखा दिया, दरअसल इस जुत्सु का नाम रासेंगन है, सिर्फ तुम और फोर्थ होकागे ही इस जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हैं, इस बच्चे को क्यों सिखा रहे हो, ये इसे सही तरीके से कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन नारुतो बोलता है, तुम देख लेना एक दिन मैं इसमें माहिर बनके दिखाऊंगा, सुना तुमने, बस मुझे 3 दिन दो फिर मैं तुम्हारे सामने इस जुत्सु को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अरे बच्चे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, पर नारुतो बोलता है कि वो अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटता है और दोनों एक शर्त लगाते हैं कि अगर नारुतो 3 दिन छोड़ो 1 हफ्ते में भी इस जुत्सु को ठीक से परफॉर्म करना सीख जाए तो सुनाडे मान जाएगी कि नारुतो के अंदर होकागे बनने की काबिलियत है और उसके साथ साथ इसका ये नेकलेस भी नारुतो का हो जाएगा। पर शिजो ने बोलती है, लेडी सुनाडे आप ऐसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ आपका है। नारुतो भी बोलता है, अरे मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम रखो इसे यार। और नारुतो गधे कहेंगे, ये नेकलेस फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू का है। ये सुनकर नारुतो का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो ठीक है मैं लूंगा इसे। और सुनाडे बोलती है कि अगर 1 हफ्ते में नारुतो उस रासेंगन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसे अपना होकागे बनने का सपना छोड़ना होगा और नारुतो का ये पर्स हमेशा हमेशा के लिए इसका हो जाएगा। ओए तूने मेरा पर्स चुरा लिया, ये तो मेरी जेब था, तूने इसे कब लिया। शिजो ने सुनाडे के पास आकर उसे उस नेकलेस को दांव पर लगाने से मना करती है पर सुनाडे को पूरा यकीन होता है कि नारुतो इस जुत्सु को कभी भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ये सब बोलने के बाद ये यहां से चली जाती है। अब इसके बाद नारुतो अपने होटल रूम में सो रहा होता है और तभी शिजो ने यहां पर आ जाती है और नारुतो को बोलती है कि उसे उस नेकलेस को नहीं लेना चाहिए। पर नारुतो बोलता है कि भाई मुझे तो चाहिए नहीं वो नेकलेस, उस बुढ़िया ने तो बोली है, उसे जाके बोली ये सब बातें। शिजो ने बोलती है, उनकी बातों का बुरा मत मानो नारुतो, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, पहले वो बहुत ज्यादा दयालु और प्यारी हुआ करती थी और विलेज के प्रति वफादार भी थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो पूरी तरह से बदल गई। और इसके बाद शिजो ने सुनाडे की बैक स्टोरी नारुतो को सुनाती है। बहुत समय पहले एक दिन सुनाडे का एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम नावाकी था और आज नावाकी का जन्मदिन होता है और सुनाडे उसे गिफ्ट के रूप में फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू का एक नेकलेस
किस देती है और नवाकी उसे गले से लगा लेता है और सुनाडे नवाकी से बोलती है, नवाकी इसका हमेशा ध्यान रखना, ये नेकलेस बहुत कीमती है। और नवाकी बोलता है, हाँ बड़ी बहना मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं इस नेकलेस और इस पूरे के पूरे विलेज का हमेशा ख्याल रखूंगा और एक दिन मैं उनकी तरह होकागे बनकर ही रहूंगा क्योंकि ये मेरा सपना है। सुनाडे ये बात सुनकर नवाकी का हेडबैंड उतारती है और उसके सर के ऊपर एक किस करती है। भाई साहब जेलस हो रहा हूं भाई मैं, दरअसल इस वक्त पे पूरी दुनिया में निंजा वॉर चल रही होती है और सुनाडे को एक दिन खबर मिलती है कि उसका छोटा भाई नवाकी युद्ध के दौरान दुश्मन के हाथों मारा गया है। सुनाडे उसकी लाश देखने के लिए वहां पर जाती है। यहां पर जिराया और ओरोचिमारु भी होते हैं पर जिराया उसे मना करता है उसकी लाश देखने के लिए और ओरोचिमारु भी उसे मना करता है अंदर जाने के लिए। सुनाडे तुम उसको पहचान भी नहीं पाओगी और ये लो ये इसके गले में था। उसके अगले दिन अपने भाई की समाधि पर जाती है सुनाडे और वो उस नेकलेस को खुद पहन लेती है। नवाकी ने जो भी उस दिन कहा था उसका कोई भी मतलब नहीं रहा और इस युद्ध के समय विलेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट निंजास दुश्मनों के हाथों मर रहे थे। इसी वजह से थर्ड होकागे ने एक मीटिंग रखी थी, विलेज के सारे निंजास यहां पर मौजूद थे और सुनाडे इन सभी को एक प्रस्ताव रखती है और वो बोलती है कि युद्ध के समय हर एक ग्रुप के अंदर कम से कम चार लोग होने चाहिए और उन चारों में से एक सदस्य मेडिकल जुत्सु में माहिर होना चाहिए ताकि अगर उनके साथी हमले की वजह से घायल हो जाए तो वो मेडिकल निंजा उन्हें ठीक कर सके। और सुनाडे के इस प्रपोजल से सिर्फ एक ही बंदा सहमत होता है जिसका नाम डैन है और ये वही बंदा है जो कि इसका होने वाला पति होता है इन फ्यूचर और लॉर्ड होकागे भी इसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद सुनाडे और डैन के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और कुछ दिनों बाद इन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो जाती है और इन्हें प्यार हो जाता है। नवाकी जिस तरह से विलेज को देखता था डैन भी विलेज को उसी परसेप्शन से देखता था और साथ में वो भी एक होकागे बनना चाहता था और इसी वजह से सुनाडे उस नेकलेस को डैन को पहना देती है और उसके भाई की तरह उसके माथे पर भी एक किस करती है। पर उसी दिन रात को एक दुश्मन डैन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। सुनाडे यहां पर आती है और अपने हीलिंग जुत्सु से उसके पेट पर लगे जख्मों को हील करने की कोशिश करती है पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जख्म गहरा होने की वजह से डैन की जान चली जाती है और उसके मरने के बाद सुनाडे अपना सब कुछ खो देती है। सुनाडे के हाथों पर खून लगा होता है और उस दिन के बाद से इसे खून से डर लगने लगता है और उस दिन के बाद से इसे हीमोफोबिया हो जाता है और सुनाडे पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और शिज़ुने नारुतो को बोलती है कि सुनाडे का वो नेकलेस श्रापित है, उनके अलावा ये नेकलेस जिसने भी पहना उसी दिन उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर नारुतो बाहर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और उसके कुछ घंटों बाद सुनाडे और शिज़ुने एक बार पर होते हैं और दारू पी रहे होते हैं। तभी जिराया यहां पर आता है और शिज़ुने को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए बोलता है कुछ देर के लिए। शिज़ुने वहां से चली जाती है और जिराया और सुनाडे दोनों बैठकर शराब पीते हैं। जिराया बोलता है वो नेकलेस अभी भी तुम्हारे पास है, मुझे तो लगा था कि तुम उसे भी अभी तक जुए में लगा चुकी होगी। सुनाडे मुझे एक बात बताओ और बिल्कुल सच बताना, और ओरोचिमारु ने तुमसे क्या कहा, कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना सुनाडे। सुनाडे बोलती है जिराया मुझे जो करना है मैंने वो सोच लिया है। मैं नहीं जानता सुनाडे तुम्हारे और ओरोचिमारु के बीच में क्या बात हुई है पर अगर तुम उसके कहे हुए रास्तों पर चलोगी तो भले ही तुम मेरी दोस्त हो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब इस तरफ हम नारुतो को देखते हैं। नारुतो अपनी रासिंगन को कंप्लीट फॉर्म में लेकर आने की पूरी कोशिश करता है और जम के ट्रेनिंग करता है पर इसे करना नारुतो की बस की बात नहीं लगती। नारुतो को एक हफ्ते के अंदर अंदर इसमें माहिर बनना ही पड़ेगा नहीं तो शर्त के मुताबिक अगर वो हार गया और रासिंगन को नहीं बना पाया तो उसे अपने होकागे बनने के सपने को वहीं पर छोड़ना होगा। नारुतो की तरह ओरोचिमारु ने भी सुनाडे को एक हफ्ता दिया है सोचने के लिए। इस तरफ हम ओरोचिमारु को देखते हैं उसके हाइड आउट प्लेस पर और काबुटो यहां पर होता है और बोलता है लॉर्ड ओरोचिमारु अगर आपकी दोस्त ने वो शर्त मान ली तो आपके हाथ पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और आप अपना मकसद जो कि है लीफ विलेज की तबाही उसे जारी रख पाएंगे पर अगर उसने ना कह दिया तो हम क्या करेंगे। ओरोचिमारु बोलता है हाँ तो फिर मुझे जबरदस्ती खुद को ठीक करवाना होगा। पर ओरोचिमारु सर आपको सच में लगता है इतना आसान होगा। हाँ अगर मुश्किल हुआ तो तुम हो ना काबुटो, चिंता मत करो काबुटो, सुनाडे वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। इस तरफ नारुतो ट्रेनिंग करते हुए सुनाडे की उन बातों को सोचता है और नारुतो अपनी जी जान लगा देता है ट्रेनिंग में। अब 6 दिन बीत जाते हैं ऐसे ही करते करते और रात को बैठी सुनाडे अपने मन में सोच रही होती है कि उसे ओरोचिमारु की बात मान लेनी चाहिए ताकि वो नवाकी और डैन को दोबारा से मिल सके पर इसके लिए भी 2 इंसानी लाशों की जरूरत होती है और वो सोचती है कि वो जिराया और नारुतो को मारकर उनकी लाशों को ओरोचिमारु के पास लेकर चली जाए। इस तरफ शिज़ुने नारुतो की ट्रेनिंग देखने के लिए मैदान में जाती है और देखती है कि नारुतो बेहोश हो चुका है और इस तरफ जिराया सुनाडे के रूम में जाकर उसके रूम में आकर उसे बोलता है ओए सुनाडे देख आज कितनी अच्छी रात है चला दारू पीते हैं। ये दोनों एक बार में जाते हैं और फिर से शराब पीने लगते हैं। ये दोनों आपस में बात करते हैं और सुनाडे चुपके से जिराया की ड्रिंक के अंदर एक नशीली दवाई मिला देती है और जिराया बिना सोचे समझे उसे आराम से पी लेता है और थोड़े समय बाद वो बेहोश हो जाता है और सुनाडे उसे वहीं पर छोड़कर अपने होटल में वापस आती है। यहां पर शिज़ुने ने सही सलामत नारुतो को उसके रूम में ले जाकर उसे लेटा दिया था। सुनाडे यहां पर जाती है और नारुतो को इस हालत में देखकर सोचती है जरा देखो इसे, इस बच्चे के अंदर चाकरा ना के बराबर है और इसका हाथ पूरी तरह से छिल चुका है। मुझे तो लगता है ये अगले 2 दिनों तक ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहेगा। इसका मतलब है मैं सही थी, इस बच्चे के अंदर रासिंगन सीखने की कोई भी काबिलियत नहीं है। शिज़ुने बोलती है लेडी सुनाडे कल वही दिन है जब ओरोचिमारु आपसे मिलेगा, मुझसे वादा कीजिए आप उनसे मिलने वहां पर नहीं जाएंगी और अगर आप वहां पर गई हां तो क्या करोगी तुम, क्या करोगी तुम, तो मैं आपको रोकने की पूरी कोशिश करूंगी चाहे इससे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शिज़ुने लगता है तुम भूल रही हो तुम किस
किससे बात कर रही हो? और ऐसा बोलकर सुनाडेशी जूने पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और नशीली दवाई पीने की वजह से जिराया अभी तक सो रहा होता है और इस तरफ शिज़ुने को भी होश आता है और होश में आते ही नारुतो से पूछती है कि आज कौन सा दिन है और अभी टाइम क्या हो रहा है। नारुतो बताता है कि आज मंडे है और 7 बज रहे हैं और नारुतो बोलता है, कहाँ है वो सुनाडे? आज मैं उसका रोता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। शिज़ुने पूछती है, नारुतो क्या तुमने उस जुत्सु को सीख लिया? पर नारुतो बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं आज उसे दिखा दूंगा करके। तभी शिज़ुने सोचती है कि उसे अभी इसी वक्त सुनाडे के पीछे जाना चाहिए। नारुतो तुम यहीं पर रहना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और बाहर जाने के लिए खिड़की खोलती है पर देखती है कि बाहर जिराया बहुत जख्मी हालत में होता है। शिज़ुने सुनाडे कहाँ पर है? इसके बाद जिराया एक गिलास पानी पीता है और कल रात को जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उन्हें बताता है कि कल रात को सुनाडे ने उसकी शराब में कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और अब इसके पास जरा सा भी चाकरा नहीं बचा है। ये सुनने के बाद शिज़ुने को लगता है कि शायद ओरोचिमारो से मिलने गई है सुनाडे और इसकी वजह से शिज़ुने जिराया और नारुतो को उस दिन वाली सारी बात बता देती है जब ओरोचिमारो सुनाडे से मिला था। और ये सुनकर ये दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं और ये तीनों सुनाडे के पीछे जाने लगते हैं उस बड़े से टावर के पास। और हम देखते हैं कि वहां पर सुनाडे ऑलरेडी खड़ी हुई है और जिराया अपने मन में सोचता है कि अगर सुनाडे ओरोचिमारो का हाथ ठीक करने वहां पर गई है तो वो उन्हें जान से मार देगा। अब ओरोचिमारो भी यहां पर आ जाता है और सुनाडे उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है। ओरोचिमारो बोलता है, तो सुनाडे क्या है तुम्हारा जवाब? और सुनाडे बोलती है कि ये इसके हाथ ठीक करेगी पर उसकी एक शर्त है। वादा करो ओरोचिमारो, जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे तो तुम अपने उन हाथों को लीफ विलेज से दूर रखोगे और लीफ विलेज को कभी भी तबाह नहीं करोगे। और ओरोचिमारो बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, किस करने के लिए नहीं, डील करने के लिए। और सुनाडे एक ऐसा जुत्सु करती है जिससे कि ओरोचिमारो के दोनों हाथ ठीक होने ही वाले होते हैं कि तभी उनके ऊपर कोई कुनाई फेंक देता है, काबुटो होता है। पर ओरोचिमारो को पूरा यकीन होता है कि काबुटो उसे धोखा नहीं दे सकता। सुनाडे ने जरूर ऐसा कुछ किया है जो कि ओरोचिमारो के लिए बुरा है। और ओरोचिमारो काबुटो से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है काबुटो? तुम्हें पता है ना मुझे धोखे से सख्त नफरत है। सुनाडे मैंने तुम्हें इतना सब कुछ ऑफर किया और उसके बाद ये है तुम्हारा जवाब? लेकिन क्यों तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? वो तो अच्छा हुआ कि काबुटो ने तुम्हारी असलियत को पहचान लिया। हाँ ओरोचिमारो सर, बेशक, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल निंजा हूँ बिल्कुल इन्हीं की तरह। इसलिए जब सुनाडे आपके करीब आ रही थी तब उसके हाथों में उस चीज को देखकर मैं जान गया था कि वो आपके हाथों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि आपको मारने के लिए था। और ओरोचिमारो पूछता है, सुनाडे तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे छोटे भाई और होने वाले पति को जिंदा कर रहा था और इसके साथ साथ मैंने लीफ विलेज को तबाह ना करने का वादा भी किया तुमसे, तो फिर तुमने ये षड्यंत्र क्यों रचा? सुनाडे बोलती है, और ओरोचिमारो मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने शातिर हो। लीफ विलेज को तबाह ना करने का वादा एक झूठ है। और सच बोलूं तो जब तुमने उस वक्त कहा था कि तुम उन दोनों को जिंदा कर दोगे तो एक समय के लिए मैंने उन शर्तों को मान लिया था। मेरा भी मन कर रहा था कि फिर से उन दोनों का चेहरा जी भर के देखूं, एक और बार उनकी मुस्कान को देखूं, फिर से उन्हें गले लगाऊं। उनके प्यार में मैं अंधी हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें दोबारा से देखने की खातिर मैंने अपने विलेज के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पर जब मैं उस नन्हे फरिश्ते से मिली तो उसने मुझे वो बात फिर से याद दिला दी जो मैं किसी समय पर भूल गई थी, जो कि है डैन और नवाकी का सपना, जो कि है लीफ विलेज की हमेशा रक्षा करना और उनके इस सपने को सच करना अब मेरा सपना है। और उसकी बातें सुनकर ओरोचिमारो बोलता है, सुनाडे तुमने मुझे कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं सिवाय जबरदस्ती के। और ऐसा बोलते ही सुनाडे अपने आंसू पोंछ कर ओरोचिमारो के पास आकर अपने पैरों से एक जोरदार किक मारती है जिससे कि जमीन फट जाती है, पर वो उस हमले को डॉज करके एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। सुनाडे की ताकत को देखकर ओरोचिमारो बोलता है, सुनाडे को इस तरह से दोबारा देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। लॉर्ड ओरोचिमारो आप ऐसी हालत में उससे नहीं लड़ सकते, इसलिए मैं इस सुनाडे के साथ फाइट करूंगा, पर मुझे ये जगह पसंद नहीं आई, यहाँ कुछ ज्यादा ही गंदगी है, तो चलो काबुटो जगह को बदल देते हैं। और ये दोनों एक खुले मैदान की तरफ भागते हैं, सुनाडे उसका पीछा करती है। इसके बाद जिराया नारुतो और शिज़ुने उसी जगह पर आते हैं। यहाँ की हालत देखकर उन्हें लगता है कि सुनाडे ने ओरोचिमारो का हाथ ठीक करने से मना कर दिया है और इन्हें सुनाडे की जैकेट भी मिलती है। और ये सुअर, यहाँ पर एक सुअर होता है, ये इस जैकेट को सूंघता है और पता लगा लेता है कि सुनाडे इस वक्त कहाँ पर है और ये सुनाडे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इस तरफ ये तीनों एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं और फाइट करने से पहले काबुटो अपने निंजा टूल किट में से एक पिल निकाल कर खाता है और उसके बाद एक लंबी सी सांस लेकर एक जुत्सु करता है जिसकी वजह से उसके हाथों में थोड़ा सा चाकरा जमा हो जाता है। तभी सुनाडे उस पर हमला करती है पर काबुटो उसके हमलों को डॉज करके सुनाडे की राइट लेग और आर्म पर हमला करता है और उसके हाथ और एक पैर पैरालाइज हो जाते हैं। यही काबुटो की असली खासियत होती है, काबुटो इंसान के बॉडी पार्ट्स को पैरालाइज कर सकता है। इसके बाद वो सुनाडे के पेट पर हल्का सा टच करता है और काबुटो के इतना करते ही सुनाडे की ब्रीदिंग मसल्स डैमेज हो जाती हैं और उसे बहुत तकलीफ होती है। सुनाडे को इस हालत में देखकर काबुटो बोलता है, लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है सुनाडे, लेकिन क्या करें, मुझे वाइटल ऑर्गन्स पर मारना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। और तभी सुनाडे तेजी से उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देती है और काबुटो दूर जाकर गिरता है। काबुटो खुद को संभालता है और एक कुनाई निकालने की कोशिश करता है पर तभी वो कुछ बहुत अजीब महसूस करता है। काबुटो का लेफ्ट लेग अपने आप ही हिलने लगता है और जैसे ही वो अपने राइट लेग को हिलाता है तो उसका लेफ्ट शोल्डर अपने आप ही हिलने लग जाता है। तभी सुनाडे इसे जोरदार मुक्का मारती है। काबुटो के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जब सुनाडे ने उसकी गर्दन के पीछे मारा था तब काबुटो की नर्वस सिस्टम में ही एक शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ हो गया और इसकी वजह से सुनाडे
बर्नार्डे को थोड़ा सा टाइम मिलता है और अपने हीलिंग जूत्सु से अपने ब्रीदिंग मसल्स को ठीक करती है और काबुटो भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अपनी कुनाई को निकाल कर उस पर हमला करते ही वहां पर एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और ये जगह धुएं से भर जाती है और जिराया नारुतो और शिजो ने यहां पर पहुंच जाते हैं। तब ओरोचिमारु बोलता है, काफी दिनों बाद मिले जिराया। हां तुमने सही कहा ओरोचिमारु, बहुत दिन हो गए पर तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो घटिया। काबुटो को यहां पर देखकर नारुतो को समझ में नहीं आता कि यहां पर क्या कर रहा है। काबुटो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? नारुतो बताता है कि चुनिन एग्जाम के समय इन्हीं के साथ था और तभी सुनाडे जिराया को अपने रास्ते से हटाती है और काबुटो पर फिर से हमला करती है पर इस बार काबुटो उसके हर एक हमले को डॉज करके एक पत्थर के पास आ जाता है। सुनाडे उस पर एक जोरदार मुक्का मारने ही वाली होती है पर तभी काबुटो उस पत्थर पर लगे हुए कुनाई को निकाल कर वो उसे अपने आप को ही चोट पहुंचाता है और इससे जो खून निकलता है उसे देखकर सुनाडे अचानक से रुक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है हीमोफोबिया की वजह से। काबुटो बोलता है, लानत है तुम पर, एक मेडिकल निंजा होने के बावजूद भी तुम्हें खून देखकर डर लगता है, समझो कि अब तुम खत्म हो। और काबुटो सुनाडे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और सीधा शिजुने के पास जाकर गिरती है। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि काबुटो सुनाडे को क्यों मार रहा है। अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये काबुटो है ये आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं? काबुटो बोलता है, तुम हमेशा बेवकूफी रहोगे नारुतो, सच में तुम्हारा सास्के से कोई मुकाबला नहीं। और जिराया बताता है कि ये काबुटो ओरोचिमारु का चेला है और काबुटो बोलता है कि दरअसल ये विलेज सैंड का एक जासूस है। नारुतो को उसकी बातें सुनकर यकीन नहीं आता, काबुटो ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने चुनिन एग्जाम के समय हमारी बहुत हेल्प की थी, क्या तुम भूल गए? हाँ नारुतो, वो मेरा मिशन था, मैंने तुम लोगों की हेल्प की क्योंकि मुझे तुम सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। और सच बताऊं तो नारुतो तुम्हारे बारे में मुझे बहुत ही खास चीजें पता चली हैं, यही कि तुम्हारे पास कोई निंजा जैसा हुनर है ही नहीं, तुम बस एक मामूली बच्चे हो जो कि बड़ों के बीच हमेशा टांग अड़ाता है और तुम सास्के के सामने कुछ नहीं, सास्के तुम्हें बिल्कुल सही नाम से पुकारता है, तुम एक लूजर हो नारुतो। नारुतो को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। नारुतो काबुटो पर हमला करने के लिए अपने 4 शैडो क्लोन्स बनाता है पर काबुटो उसके सारे के सारे शैडो क्लोन्स को डॉज करके उस पर हमला करता है और आखिर में असली वाले नारुतो को एक ही हाथ से दूर पटक देता है पर शिजु ने उसे पकड़ लेती है। तभी जिराया ओरोचिमारु को बोलता है, तो ओरोचिमारु ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। हाँ जिराया मुझे भी ऐसा ही लगता है। और जिराया शिजुने को बोलता है कि वो काबुटो के साथ फाइट करे और ओरोचिमारु से ये खुद लड़ना चाहता है। और इसके अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं जिराया वर्सेस ओरोचिमारु और काबुटो वर्सेस शिजुने और इस सीरीज का 7th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और गाइज मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं इसकी वजह से मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं। तो गाइज अगर वॉइस में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी लगी तो प्लीज माफ कर देना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और गाइज वीडियो बहुत देर से आई है भाई पता है यार थोड़ा सा बिजी हो गया था पर अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15,000 लाइक तो ठीक है गाइज और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।